अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूनिट 3 है इंग्लिश 1 का, है आपका सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस जो है ये भी फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले टेंसेज में से एक है और काफ़ी इजी है, क्योंकि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, तो इसके अंदर हम इस टेंस का मीनिंग और इसका यूज़ देखेंगे, इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, और उसके बाद फिर हम इसकी कुछ एक्सरसाइजेज जो हैं उनको देखेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस जो है, इफ़ वी लुक एट इट्स यूज, तो वी यूज़ द सिंपल पास्ट टेंस टू एक्सप्रेस द आइडिया दैट एन एक्शन स्टार्टेड एंड फिनिश्ड एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पे आगाज़ हुआ था और अब जबकि हमारी गुफ्तगू हो रही है, ठीक है, इस पॉइंट से कुछ वक्त पहले या ज़्यादा वक्त पहले उस एक्शन का इख्तिताम हो चुका है। ठीक है, यानी कि जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त वो एक्शन जो है, दैट एक्शन इज़ नॉट हैपनिंग, रादर इट हैज़ फिनिश्ड, इट हैज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, तो जो कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशंस इसके साथ यूज़ होते हैं, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशंस जो इसके साथ यूज़ होते हैं, जो कि हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं, वो टाइम एक्सप्रेशंस नीचे हमने लिखे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, इन 1980, यस्टरडे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, अ लॉन्ग वाइल अगो आई वेंट देयर, ठीक है, लास्ट वीक आई एट एट दिस कैफे। अब ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं, ये जो सारे टाइम एक्सप्रेशंस हैं, ये एक्सप्रेशंस हमें हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में सिंपल पास्ट टेंस को। जब ये एक्सप्रेशंस आएंगे तो उसके साथ आपका सिंपल पास्ट टेंस आएगा। यकीनन फिर वर्ब जो है वो भी हमने देखना होता है, कि ये एक्सप्रेशंस तो टाइम के हैं ही सही ना, ठीक है, लेकिन इसके साथ वर्ब भी हमने देखना है कि वर्ब जो है वो सिंपली सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेंटेंस के अंदर यूज़ की गई होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आई सॉ मरिया येस्टरडे, कि मैंने मरिया को देखा येस्टरडे, कल, मतलब कि मैंने उसको देखा। अब ये वो एक्शन है जो कि कल ही स्टार्ट हुआ था और कल ही फिनिश हो गया। ठीक है, मतलब कि दिस एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट फिनिश्ड इन द पास्ट, इट इज़ नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ। तो इसके लिए वर्ब, देखें, जब हम बात करते हैं टेंसेस की, तो टेंसेस से मुराद होता है वर्ब। तो वर्ब की यूज़ आपने देखना है कि वर्ब का क्या यूज़ है। तो यहाँ पे सॉ जो है, SAW, सॉ, ये वर्ब, ठीक है, सी की दूसरी फॉर्म होती है, सी सॉ सीन, ठीक है, तो सॉ दूसरी फॉर्म जो है वर्ब की वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है। लास्ट फ्राइडे, दूसरी एग्जांपल है, लास्ट फ्राइडे द स्टूडेंट्स टुक द स्पेलिंग एंड वोकैबुलरी टेस्ट। लास्ट फ्राइडे द स्टूडेंट्स टुक, टेक, टुक, टेकन, ठीक है, तीन फॉर्म्स हैं, टेक, टुक, टेकन। तो टुक दूसरी फॉर्म है जो कि हमने लगाई है, और एक्सप्रेशन क्या, हमने टाइम एक्सप्रेशन क्या यूज़ किया, लास्ट फ्राइडे, कि पिछले जुम्मे को स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया, स्पेलिंग्स का टेस्ट दिया, ठीक है, तो लास्ट फ्राइडे यूज़ हो गया, और वर्ब की जो है वो दूसरी फॉर्म यूज़ होगी। थर्ड एग्जाम्पल है, दे गॉट मैरिड 2 ईयर्स अगो, ठीक है, दे गॉट मैरिड, गेट, गॉट, गॉट, ठीक है, दे गॉट मैरिड 2 ईयर्स अगो, 2 साल पहले उनकी शादी। अब ये ऐसा एक्शन अगेन कि जो कि पास्ट में किसी पॉइंट पे इसका आगाज़ हुआ था और पास्ट में किसी पॉइंट पे इसका इख्तिताम हो गया, इट इज़ नॉट गोइंग ऑन राइट नाउ, तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन इन द सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो दीज एक्शंस आर ओवर, दीज एक्शंस आर फिनिश्ड एंड दे आर नो लॉन्गर इन प्रोग्रेस, दैट इज़ वाई वी एक्सप्रेस दीज एक्शंस इन दी सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, अब कि हम ये सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म कैसे करते हैं, फॉर्म करने के लिए वर्ब जो है उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 2 टाइप्स होती हैं वर्ब्स की, वर्ब्स आर आइदर रेगुलर और दे आर इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर वर्ब्स होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स होते हैं। अब रेगुलर की फॉर्म यहाँ पे जो एग्जांपल है आपके सामने लिखी है, वॉक, वॉक, वॉक्ड, स्टडी, स्टडीड, स्टडीड, इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि किसी रूल के तहत इनकी फॉर्मेशन होती है, यानी कि ईडी या फिर आईईडी आपने लगाना है, ठीक है, तो वर्ब आपका बन जाता है। ऑन द अदर हैंड, इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जो कि जो रेगुलर पैटर्न है वर्ब का उसको फॉलो नहीं करते, जैसे टीच, टॉट, टॉट, अब हम टीच, टीच्ड, टीच्ड नहीं कर सकते, या गिव, गेव, गेव, अब हम गिव की दूसरी फॉर्म गिव्ड नहीं बनाते, ठीक है ना,
ऐसे ही बिकम, बिकम्ड नहीं होता, रादर बिकेम होता है, ठीक है। ऐसे ही डू है तो डूड नहीं होता, रादर डिड होता है। और तीसरी फॉर्म होती है डन, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी आप सिंपल पास्ट टेंस बनाने लगे हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू आइडेंटिफाई द वर्ब। यू हैव टू डिसाइड वेदर द वर्ब इज रेगुलर और इरेगुलर। अगर तो रेगुलर है तो फिर तो वो ई डी या फिर आई ई डी जैसे भी है, अगर आखिर में वाई है तो फिर वो आई ई डी होता है वाई को रिप्लेस करके, और अगर वाई नहीं है तो फिर सिंपली आप ई डी लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर इरेगुलर वर्ब है तो फिर इरेगुलर वर्ब जो है ये तो आपको नॉलेज से ही पता चल सकता है, इल्म से ही पता चल सकता है। जब तक आपने उस वर्ब को कभी यूज़ नहीं किया, कहीं पर आपने उसका यूज़ पढ़ा नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। रेगुलर वर्ब्स की चंद एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। सिंपल फॉर्म जो है फॉर एग्जांपल वॉक है, तो इसके एंड पे हम ई डी लगा देते हैं, वॉक हो जाएगा, ठीक है। स्टडी है तो इसमें वाई जो है वो आई से रिप्लेस हो जाता है, STUDI, और फिर ई डी वही लग जाता है। ऐसे क्राई है तो क्राई में भी वाई जो है वो आई से रिप्लेस हो जाएगा और ई डी लगा देंगे, तो ये फॉर्म बन जाएगी पास्ट टेंस। ऐसे लिव है LIVE, तो इसके सामने सिंपली हमने डी लगा दिया क्योंकि डबल ई लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ऑन दी अदर हैंड जो इरेगुलर वर्ब्स हैं वो टोटली डिफरेंट अंदाज में अपना पास्ट टेंस जो है उसको फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला वर्ड है आपके सामने बिकम लिखा हुआ है, बिकम BECOME, बिकम। तो एक तरीकाकार ये है कि वावल चेंज कर दिया जाता है, बिकम जो है वो बिकेम हो जाएगा, ओ भी वावल है और ए भी वावल है, तो यहाँ पर हमने वावल चेंज कर दिया। दूसरा वर्ड लिखा हुआ है गिव, गिव भी अगेन उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि हमने वावल को चेंज कर दिया, गिव की जगह पे बन गया गेव। ऐसे ही ड्राइव है तो अगेन वावल चेंज कर दिया, हमने बना दिया ड्रोव। फॉरगेट है तो अगेन हमने वावल चेंज किया, हमने इसको बना दिया फॉरगॉट। इसके अलावा कुछ और भी इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, और ये इरेगुलर वर्ब्स जो हैं इनकी डिफरेंट फॉर्म होती है, कि इसमें हम खाली उसको वावल को चेंज नहीं करते, बल्कि ये टोटली एक डिफरेंट पैटर्न जो है उसको वो फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो आपके पास वर्ब है टीच है, तो टीच जो है इट बिकम्स टॉट। ब्रिंग है, ब्रिंग बिकम्स ब्रॉट। लीव, लीव बिकम्स लेफ्ट। हियर, हियर बिकम्स हर्ड। बाय, बाय बिकम्स बॉट। तो नीचे एक सेंटेंस लिखा है, सीलिया बॉट अ न्यू कंप्यूटर लास्ट वीकेंड, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। और एक और फॉर्म है इरेगुलर वर्ब्स की, और ये वो इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि फॉर्म चेंज ही नहीं करते, जो कि प्रेजेंट टेंस में भी वही हैं और पास्ट टेंस में भी वही हैं, ठीक है। तो इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होगी वो टाइम एक्सप्रेशन की मदद से होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हिट है तो वो हिट ही रहता है, पुट है तो वो पुट ही रहता है, सेट है तो वो सेट ही रहता है, ठीक है। अब नीचे एग्जाम्पल लिखिए, द चिल्ड्रन सेट द टेबल एवरी संडे। अब एवरी संडे चूंकि ये फ्रीक्वेंट एक एक्शन जो कि रिपीट होता है, तो ये हमने पढ़ा था कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसको फॉलो कर रहा है। और जो दूसरा है द चिल्ड्रन सेट द टेबल लास्ट नाइट, अब चूंकि लास्ट नाइट की बात हो रही है तो हमें पता है कि लास्ट नाइट जाहिर है माजी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन फिर वर्ब से नहीं हो सकती, रादर इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो टाइम एक्सप्रेशन की मदद से होगी। तो रेगुलर जो वर्ब्स हैं उनकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। व्हेन आई वाज चाइल्ड आई प्लेड द पियानो, PLAY प्ले और ED लगा दिया। डोना विजिटेड पेरिस, विजिट और विजिटेड के बाद ED लगा दिया, ठीक है। जो इरेगुलर वर्ब है सेंड है, तो सेंट SENT, सेंट। लास्ट वीक आई सेंट यू अ लेटर, द स्टूडेंट हैड एन इंग्लिश एग्जाम, ठीक है। हैज हैव हैड, तो हैज और हैव जो है उसकी हेड होती है ना दूसरी फॉर्म। तो दे डिड अ ग्रेट जॉब, डू डिड और डन, ये जो है ये इरेगुलर वर्ब्स के दायरेकार में आते हैं, ठीक है। तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं इसके, जो अभी तक हमने जितने सेंटेंसेस देखे हैं ये सारे सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस से, तो जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसमें डू डिड वगैरह कुछ सिर्फ एक ही चीज़ यूज होती है, डिड, और उसके साथ लगता है नॉट। आई वेंट टू वर्क येस्टरडे, आई डिडेंट गो टू वर्क येस्टरडे, ठीक है। तो
डिड नॉट जब लग जाता है तो उसके साथ फिर वर्ब की जो है वो बेस फॉर्म लगेगी, बुनियादी फॉर्म लगेगी, ठीक है। ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ है आई वेंट टू वर्क यस्टरडे, अब वेंट जो है ये दूसरी फॉर्म है, लेकिन चूंकि हम डिड लगा दिया, डिड ऑलरेडी जो है वो दूसरी फॉर्म है, तो फिर उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म बेस फॉर्म लग जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि वो डिड के साथ अगेन सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, तो उससे फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है, तो डिड के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करना। अच्छा जी, द बी वर्ब जो है ये थोड़ा स्पेशल होता है, स्पेशल कि किस तरह होता है, क्योंकि इसके साथ हम डिड वगैरह यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो इसमें ऐसी सिचुएशन में वाज और वर्ब का यूज़ होगा और उसके साथ नॉट लगेगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं जी इंटरोगेटिव्स पे, यानी कि क्वेश्चन जो स्टेटमेंट्स हमने जनरेट करनी होती हैं सिंपल पास्ट टेंस के लिए, उसके लिए हम सबसे पहले डिड यूज़ करते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। डिड यू गो देयर, डिड आई गो देयर, डिड ही गो देयर, ठीक है। तो डिड यू गो टू वर्क यस्टरडे, डिड यू कम यस्टरडे, ठीक है। डिड उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, मतलब क्वेश्चन भी जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन में भी डिड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म, बुनियादी फॉर्म लगेगी। अब वो चाहे नेगेटिव बना रहे हैं या चाहे क्वेश्चन है, ठीक है, डिड जहाँ पर लग जाएगा तो उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगानी है। इस चीज़ को आपने जहनशीन कर लेना है अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें मिस्टेक्स कमिट की जाती हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज है, आपकी बुक से एक्सरसाइज ली गई है, एक्सरसाइज नंबर 6 यूनिट नंबर 3 की है, जिसमें आपको कुछ वर्ब्स दिए गए हैं और इन वर्ब्स को आपने दिए गए सेंटेंसेस के अंदर यूज़ करना है, ठीक है। 10 वर्ब्स हैं जो कि बॉक्स में दिए गए हैं और 10 ही सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस के अंदर आपने इसको यूज़ करना है। तो गिव इट ए रीडिंग एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स दैट यू कैन सी इन द बॉक्स। आई वॉज डैश टू द बर्थडे पार्टी ऑफ माई नीस। आई वॉज, अब आप देखें क्या है, टॉट बॉट फॉट रेड इन्वाइटेड, आई वॉज इन्वाइटेड आएगा। माई ब्रदर डैश अ न्यू मोटरसाइकिल लास्ट वीक, बॉट आ जाएगा। आमिना रिसेंटली डैश हर ओल्ड टीचर आफ्टर ईयर्स, सॉ आ जाएगा, ठीक है। या फिर विजिटेड भी हो सकता है, जुनेद एंड लैला डैश द रिपोर्ट, रेड द रिपोर्ट, RED रीड और RED रेड होता है दूसरी फॉर्म, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे सेंटेंस नंबर 5 को देखें, आई डैश ए ब्यूटीफुल रेडी टू वियर ड्रेस एट द शॉप। अब आप देखें कि क्या आएगा, द फ्रेंड्स आर नॉट टॉकिंग दीज डेज बिकॉज दे हैव रिसेंटली डैश विद ईच अदर, रिसेंटली फॉट विद ईच अदर, महमूद डैश पार्ट टाइम टू मेक सम मनी, महमूद वर्क है तो वर्कड होगा। माई एल्डर सिस्टर डैश फॉर ईयर्स एट कॉलेज, माई चिल्ड्रन रियली डैश हार्ड फॉर देयर एग्जाम्स, आई डैश माई फ्रेंड ऑफ 10 ईयर्स। देखें कि अब यहाँ पर आप इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 7 है, यहाँ पे वर्ब्स आपको दिए गए हैं, बेस वर्ब्स हैं, आपने इनको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज़ करना है। लिव है तो लिव के साथ ED लगेगा, लिव्ड होगा। रेज है तो रेज के साथ रेज्ड हो जाएगा, लुक है तो लुक्ड हो जाएगा। इसके बाद आता है जी स्टडी, तो स्टडीड हो जाएगा। प्ले है तो प्लेड हो जाएगा, ट्राई है तो ट्राइड हो जाएगा, एंड है तो एंडेड हो जाएगा, रिप है तो रिप्ड, RIPPED रिप्ड हो जाएगा, डिस्ट्रॉय तो डिस्ट्रॉय DESTROYED डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है, YED बल्कि डिस्ट्रॉयड, ठीक है, एस्केप्ड हो जाएगा और सेल्ड हो जाएगा। दैट इज ऑल फॉर मॉड्यूल नंबर 1, थैंक यू।